स्वाती और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग हिंदी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मनी प्लांट को कटिंग से पानी में कैसे लगाएं सही तरीके से। यूजली हम मनी प्लांट की बड़ी कटिंग लेते हैं और उसको पानी में एज इट इज डिप कर देते हैं, नीचे की दो तीन पत्तियां निकाल करके, बट वो करेक्ट तरीका नहीं है। क्योंकि उससे होता क्या है, मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। मंथ्स में, कई मंथ्स में जाकर के कहीं आप उसमें एक लीफ दे देंगे, फिर आप सोचेंगे कि अच्छी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो ये सारे टिप्स मैं बताऊंगी आपको, कैसे लगाएं, क्या क्या उसकी केयर करें, किन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए हम पहले कटिंग लेते हैं। तो आज मैं कटिंग ये नियॉन पोथोस से लेने वाली हूँ। आप देख सकते हैं काफी बड़ा हो गया है ये। एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं अभी आपको बताती हूँ। आप अपने मनी प्लांट के पौधे को अगर आप खुशी बनाना चाहते हैं, जो आपने पॉट सॉइल में लगा रखा है, पॉट में लगा रखा है, तो उसके आप रेगुलर ट्रिमिंग कटिंग करते रहे, प्रूनिंग करते रहे, उससे साइड ब्रांचेस निकलेंगी और आपका प्लांट बुशी होगा, बहुत सारी नई शूट्स निकलेंगी और घना दिखेगा। तो चलिए हम इसकी कटिंग लेते हैं। और उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या ट्रिक है इसकी कटिंग लेने की। हमेशा आपको 2 से 3 नोड्स कम से कम चाहिए। ये नोड्स होते हैं जहाँ से आप एरियल रूट्स देख सकते हैं, ये रूट्स हैं, और जहाँ से ये पत्तियाँ निकली हुई हैं। तो जब हम इनकी कटिंग लगाएंगे तो यहीं से नई रूट्स भी निकलेंगी और नई शूट्स भी निकलेंगी। तो हमेशा 2 या 4 नोड्स की साथ ही कटिंग लें। तो जैसे मैं यहाँ से ले रही हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने कई सारे नोड्स हैं। ये एक नोड है और ये रूट्स हैं, ब्राउन ब्राउन जो आप टिप दिख रहे हैं, ये एरियल रूट्स हैं। तो मैं एक और कटिंग ले लेती हूँ। तो मैंने 2 कटिंग ली है। तो हमने मनी प्लांट की कटिंग्स ले ली हैं। मनी प्लांट को हम पोथोस नाम से भी जानते हैं और इसको डेविल्स आईवी नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बता दूं। पहली बात तो ये कि बहुत अच्छा ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है, हवा को शुद्ध करता है, इंडोर हवा को। अब आप सोच रहे होंगे अंदर कौन सी, कैसे हवा शुद्ध होती है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कारपेट्स में हिडन रहती हैं, या जो ग्लू यूज़ होता है फर्नीचर्स में, उन सब चीज़ों में भी जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी इंडोर एयर को गंदा करते हैं, अशुद्ध करते हैं। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो हवा से बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड और ज़ाइलीन को दूर करता है। बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है। दूसरी बात, ये बहुत सारी वेराइटीज़ में आता है, आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा, मेरे पास बहुत सारी वेराइटीज़ हैं इसकी। ये है नियॉन पोथोस। आप इसकी पत्तियाँ देखिए, नियॉन कलर की है, लाइट ग्रीन कलर की, बहुत ही खूबसूरत दिखती है। इसके अलावा मार्बल पोथोस जो वेरीगेटेड वेराइटी होती है, और एक जो रेगुलर प्लांट आपने देखा होगा जैसे ये है ग्रीन कलर की पत्तियों वाला, ये आपने काफ़ी लोगों के घरों में देखा होगा। तो काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती है इनमें, बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट भी आता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसकी कटिंग कैसे लेनी है सही तरीके से। तो इसकी कटिंग लेने के लिए हमें ध्यान रखना है कि इसकी एरियल रूट के साथ थोड़ा सा नीचे कट करें और थोड़ा सा ऊपर। ये हमारी एग्जैक्ट कटिंग होनी चाहिए, जो हम चाहे आप पानी में लगाएं चाहे मिट्टी में लगाएं। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपका प्लांट यहाँ से बहुत सारी नई शूट्स निकलेंगी और नीचे से बहुत सारी रूट्स निकलेंगी और बहुत जल्दी से फैलेगा, घना होगा। तो चलिए हम इसकी कटिंग्स कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए जब तक हम इसकी कटिंग कलेक्ट कर लेते हैं, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ मनी प्लांट के बारे में। वो ये है कि अगर आप मनी प्लांट के पौधे को पार्शियल शेड में रखेंगे, जैसे विंडोज़ के पास जहाँ पे इसको फिल्टर्ड सनलाइट मिलती रहे, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और उससे भी खास बात ये है कि अगर आपका वेरीगेटेड पोथोस है तो वो उसमें वेरीगेशन बना रहेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसी जगह पर ग्रो करेंगे जहाँ इसको पूरी तरीके से धूप नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं मिल रही है, बिल्कुल फिल्टर्ड सनलाइट भी नहीं मिल रही है, फिल्टर्ड सनलाइट से मतलब है छनी हुई धूप, इसको जहाँ पे फ्रेश हवा लग सके ऐसी जगह पे, तो होगा क्या कि आपका मनी प्लांट का पौधा, आप उसकी पत्तियाँ बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएंगी। हाँ, पौधा मरेगा नहीं आपका, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, बहुत ही अच्छा ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है। अगर आप इसको डेली पानी नहीं डालेंगे तो भी आपका पौधा सूखेगा नहीं। तो बिगनर्स के लिए ये पौधा बहुत ही अच्छा है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आपके घर में ये पौधा नहीं है तो आप इसी से शुरुआत करें गार्डनिंग में। और वेरीगेशन अगर आप
अपने मनी प्लांट के पौधे में बना के रखना चाहते हैं तो उसको ऐसी जगह रखें जैसे विंडोज़ के पास या फिर स्टेयर्स पे, जहाँ उसे थोड़ी सी छनी हुई धूप मिल सके, फ्रेश हवा मिल सके और वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। उसको घना करने के लिए आप रेगुलरली उसकी कटिंग प्रूनिंग करते रहें और आपको डिफरेंस खुद दिखेगा। तो हमारी कटिंग्स तैयार हो गई हैं। देखिए, हमें एग्जैक्टली ऐसी ही कटिंग चाहिए, रूट के साथ में थोड़ी सी नीचे इसकी स्टेम और थोड़ी सी ऊपर और एक लीफ। अब चाहे आप इसे मिट्टी में ग्रो करें, चाहे पानी में ग्रो करें, हर तरीके से बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा। आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा, मैंने स्टेयर्स पे पॉट्स में मनी प्लांट लगाए हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है वो। ऑलमोस्ट पूरे भर चुके हैं पॉट और ऊपर से नीचे तक सेकेंड फ्लोर तक पूरा वो फैल के आ गया है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि इतना घना वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं उसकी कटिंग प्रूनिंग रेगुलरली करती रहती हूँ और उसी प्लांट से मैंने बहुत सारी कटिंग्स तैयार की हैं, बहुत सारे पॉट्स में बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं। चलिए अब इसको हम पानी में ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से हम सारी कटिंग्स ले लेंगे और ध्यान रहे कि सब सेम हाइट पे ही रहे, ऊपर नीचे ना हो। और अब हम इसको पानी में डालेंगे इस तरीके से। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ध्यान रहे कि आपकी पत्तियां पानी में ना जाए वरना वो सड़ने लगेंगी, सिर्फ स्टेम और रूट जाए, पत्तियां ना जाए। इसके अलावा आप इसका पानी हफ्ते में कम से कम दो बार चेंज करें। उससे होगा क्या, इसको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी और जो पानी में मिनरल्स होते हैं वो भी मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वीक में कम से कम दो बार आप इसका पानी चेंज करें और इसको आप कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसे छनी हुई धूप मिले या कम से कम फ्रेश हवा मिले। विंडोज़ के पास रखें तो बहुत ही अच्छा है। एक खास बात, अगर आप पानी में ग्रो कर रहे हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका पानी खारा ना हो। अगर आपके एरिया में बहुत खारा पानी आता है तो आप आम का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक वीक पहले तैयार की गई कटिंग्स और इसकी क्या प्रोग्रेस है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसे पानी से। लास्ट वीक मैंने इसकी कटिंग तैयार की थी और इसको पानी में डाला और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रूट्स तैयार हो गई हैं सिर्फ एक वीक के अंदर। देखिए, और इसमें तो शूट भी निकलना शुरू हुआ है, दिखाती हूँ मैं। शूट, रूट, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। देखिए, लगभग सभी में रूट्स आ गई हैं। आप देख सकते हैं कि एक वीक में ही कितनी अच्छी रूट्स आ गई हैं इनमें। कुछ दिन और वेट कर लें, 10-12 दिन और इसमें भर के रूट्स आ जाएगी। उसके बाद उसे आप चाहे पानी में ही रहने दें, चाहे तो आप इसे सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। और एक हफ्ते में ही आपको मैं दिखा दूँ, इसमें आप देख सकते हैं नई शूट भी आना शुरू हो गई है। इतनी तेज़ी से आपको, अगर आप वैसे बड़ी स्टेम लगा करके ग्रो करेंगे तो कभी भी इतना ग्रोथ नहीं दिखेगा वन वीक के अंदर। तो बहुत ही अच्छा तरीका है और इसी तरीके से आप आगे से कटिंग्स ग्रो करें, चाहे पानी में ग्रो करें चाहे आप मिट्टी में ग्रो करें, दोनों ही तरीके से ये एफिशिएंट टेक्निक है ये। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको काफ़ी टिप्स अच्छी लगी होंगी और आपके काम की भी होंगी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।